हम बिल्लियों को हैंड टाइम पे खुश होते हैं, परिंदों को हैंड टाइम पे खुश होते हैं, यहाँ हैंड टाइम हॉर्स है यार। लिली का रिस्पांस चेक करें लिली का रिस्पांस, ये खुश है यार यहाँ पर माशाल्लाह। नहाना चाहिए, मजे मजे से नहाना चाहिए, सारे जरासीम दूर करने चाहिए। लग रहे हैं यार ये येलो और ये ग्रीन, ओए दोनों माशाल्लाह इतने प्यारे हैं। लेकिन जो अनस भाई है ना, उन्होंने जो बात की थी वो यार बात पता क्या थी कि बाजरा भिगो दें, तो जब बाजरा भिगो देंगे ना तब तक ये होगा ना कि बाजरा सारा गीला होगा, और गीला होने के बाद ना थोड़ा सा हम इतना टाइम लगा सकेंगे कि बर्ड्स को ना बाजरा फिर दे सकें। थोड़ी देर बाद आऊँगा ना ये बाजरा की यस यस हो जाएगा, फिर हम उसके बाद इन बर्ड्स को ना रोनियो, तुझे अभी से पता चल गया मैं बाजरा डालने लगूँ, ये ले थोड़ा सा खा ले। चलो रोनियो को थोड़ा सा दे दिया, रोनियो के साथ जैक भी आ गया। नुमान भाई इसको इधर लेके आए ना, जिस जगह पर मैंने सोचा इधर ले आए। साहब कभी कभी जवान बन जाते हैं, कभी कभी बूढ़े बन जाते हैं यार। ये इसको यहाँ पर अभी सोचा हमने इस जगह पर रखते हैं, इस जगह पर जब हम रखेंगे ना तो यार इसकी लुक भी अच्छी रहेगी फ्रंट पर, और प्लस बर्ड्स के साथ ना इनकी आवाज़ें भी आती रहेंगी। क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी राय थी ना कि लव बर्ड्स को ना ऐसी जगह पे रखे मास्टर केज में वो खुश रहे, तो मैंने फाइनली ये सोचा कि केज भी आउटडोर हो जाएगा और यहाँ पर बर्ड्स की भी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर खुश हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जाहिद और आप सब देख रहे हैं बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। जी दोस्तों, तो आज सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हमने लव बर्ड्स को शिफ्ट करना है इसमें, और लव बर्ड्स को अंदर से निकालते हैं क्योंकि लव बर्ड्स का अलग अलग सेटअप कर दिया है। अब लव बर्ड्स के लिए हमें क्या चाहिए, लव बर्ड्स के लिए हमें यहाँ पर बॉक्स भी चाहिए, तो हम बॉक्स लेने चलते हैं सबसे पहले, कि मार्केट भी जाना है यार और साथ यहाँ पर भी सारा काम कम्प्लीट करना है। यार रोजी खोली और ये पीच फेस और ये लैटिनो जो है ना, आज तुम्हें नया घर मिलने लगा है, लेकिन थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। पता क्यों, क्योंकि यार अभी हमें जाके बॉक्सेस लाने हैं, तो पहले हम बॉक्सेस लेके घर में इंस्टॉल करके उनको प्रॉपर फिक्स करके ना फिर हम रोजी खोली और इन सबको ना शिफ्ट करते हैं। हाँ भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुम ठीक हो, मेहनत कर रही हो? मेहनत कर रही है यार, बैठी हुई अंडों पर फिर से यार। इसका एक बच्चा ना, आपको पता ना उसका नाम मैंने क्या रखा है, मैंने इसका नाम भी रख लिया है यार, उसका नाम सैम है, सैम। फाइनल उसका नाम सैम, उस बच्चे का नाम सैम रख लिया, और उसको मैं हैंड टेम कर रहा हूँ, उसकी वीडियोस भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अगर तो वो हैंड टेम हो गया तो ये मेरी बहुत बड़ी सक्सेस हो जाएगी, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। इसी मैं मास्टर केज में इन हूँ ना, तो इन बच्चों का शोर ना मुझे यहाँ मजबूर करके ले आइए। देखिए यार ये माशाल्लाह छोटा सा बच्चा, देखा आपने ये बच्चा इतना प्यारा सा बच्चा, आज का इसमें भी बच्चा है, इसमें भी बच्चे हैं और इसमें भी, ये सारे बाहर आ रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और वैसे भी यार जब से ना ये मैंने वो डॉल्स वहाँ पर रखाई हैं ना, तो ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन भी ना वहीं पर मज़ा करने लग पड़े हैं, यहाँ पर घर छोड़ दिया, और वो जब वहाँ पर मज़ा करने लग पड़े हैं ना, तो इन बदमाशों ने ना यह आकर कब्जा कर लिया है। तो यार इनके लिए जो आप लोगों की सजेशन है ना, वो बिल्कुल ठीक है कि इनको ना यहाँ से ना निकाल दो, जल्द अज जल्द निकाल दो। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है। एक बच्चा ये भी देखें यार, एक बच्चा ये भी माशाल्लाह वेलकम कर रहा है। कल जिसको एप्पल विनेगर बुलाया था, मैं उसको आज ढूंढ रहा हूँ, इतने बर्ड्स में मुझे वो नज़र ही नहीं आ रहा कि वो किधर है। थोड़ी देर तक अगर मुझे नज़र आया तो मैं दोस्तों उसकी अपडेट भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेचुरल ब्यूटी यार हर जगह पे माशाल्लाह माशाल्लाह ना ये बैठे हुए हैं यार। अक्सर आप कहते हैं ना कि मैं इनको भी यहाँ से निकाल दूँ, यार मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर मैं इनको निकाल दिया ना तो मेरे मास्टर केज की ब्यूटी क्या होगी यार, ये इतने प्यारे हैं ना, तो मेरा दिल नहीं करता इनको निकालने के लिए। प्लम हेड देखिए माशाल्लाह, आपको दो मेल और एक फीमेल नज़र आ रही है, दूसरी जो एक और फीमेल है ना वो आपको नज़र नहीं आ रही ना, क्योंकि वो माशाल्लाह वहाँ पर बैठी हुई है उस घर में। तो उम्मीद करता हूँ यार वो जल्द अज जल्द ना कोई एक गुड न्यूज़ दे, कोई खुशखबरी दे, उसका बच्चा भी बाहर आए तो हम सरप्राइज हों कि प्लम हेड ने आते साथ यहाँ पर ब्रीडिंग शुरू कर दी है। माशाल्लाह हम यहाँ पर जो भी लेके आए ना दोस्तों, डॉग्स हैं, ये बजरीज हैं, कबूतर हैं, उन्होंने आते साथ ना ब्रीडिंग शुरू कर दी है, तो हमें ये अच्छा रिस्पॉन्स मिला यहाँ पर। सैबर्स हमारे ना माशाल्लाह हर वक्त खाते रहते हैं, लेकिन इन्होंने एक और नई स्टोरी डाली है, उस नई स्टोरी से मुझे अपनी इसकी पिछली स्टोरी याद आ रही है। इसकी स्टोरी ये याद आ रही है कि यहाँ पर कॉर्नर पर ना इनका ये सुरंग बनी हुई थी, वहाँ कॉर्नर पर, और जब पिछले बच्चे आए थे ना तो उन्होंने वो सुरंग बंद कर दी थी और यहाँ पर नई सुरंग बना ली थी। ये देखें यार दोस्तों, तो मुझे ये फील हुआ था कि बच्चे तो नहीं दे दिए इन्होंने, तो इन्होंने यार फिर से कोई लगता है बच्चे दे दिए और वो सुरंग बंद कर दिए और नई यहाँ से खोल दिए, तो कुछ ऐसा हो सकता है? आप बताइएगा ज़रूर कि ऐसा ही है जैसा मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने फिर से बच्चे तो नहीं दे दिए। से तीन बच्चे जो बचे हुए हैं ना हमारे, वो कभी इधर उधर गुम इसके दरख्त के पीछे चले जाते हैं, उनको वो जगह बहुत पसंद है। ये देखना अब ये भी मैं इसको खोलूँगा ना तो ये दरख्त के पीछे चला जाएगा। हाँ भाई इधर आओ, पता ये उधर पीछे चले जाते, अब वहाँ से मुझे ये नज़र भी नहीं आते। ये इनकी एक फेवरेट जगह बनी हुई है इन्होंने दरख्त के पीछे। बाजरा यार काफ़ी हद तक सेट हो चुका है, गीला हो चुका है, अब मैं थोड़ी देर ना, उन्होंने कहा था एक घंटा पहले भिगोना है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, ये थोड़ा और सेट हो जाए ना फिर मैं इसको डालता हूँ। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये भी बेचारी बेताब हुई हुई है, लेकिन मैं क्या करूँ, जैसे ही मैं खोलूँगा ना तो इन्होंने सीधा भागते हुए ना उज़ैर पर अटैक कर देना है। आपको एक बात बताऊँ, ये देखें कल जो मुझे इन्होंने सुर्खी दी है ना, ये नज़र आ रही है, ये मैंने कोई फैशन नहीं किया हुआ,
ये कल ना महाराजा ने ना मेरे पे अटैक किया, कल महाराजा ने ना ऐसे पकड़ा, क्यों? क्योंकि कल महाराजा को मैंने पानी में नहलाया और महाराजा गुस्सा कर गया, तो इसको मैं जब खोलता हूँ ना तो ये सब पे अटैक करता है, फिर छोड़ता नहीं है किसी को। इसलिए मैंने उजैर को कहा तो अपनी सफाई कंप्लीट कर। ये देखें, ये मास्टर केज और मास्टर केज के बाहर ये लव बर्ड्स की सेटिंग कर दी है। तो लव बर्ड्स को ना हम थोड़ा सा केज भी नीचे से इसलिए उठा दिया ना कि अगर खुदा ना खास्ता कोई चूहा छुआ आके अटैक करता है, कोई बिल्ली अटैक करती है ना, तो बिल्ली अटैक ना कर सके। तो अब हम जा रहे हैं इसकी कुछ चीज़ें भी लेने मार्केट से, लेकिन उससे पहले दो छोटे छोटे काम है ना वो करके जाने हैं। तो यार वेलकम करें हमारी लिली को। लिली यार कैसी हो आप, आज मूड फिट है? आगे से प्रॉपर रिस्पांस करती है। लिली के लिए पता है हमने क्या किया? लिली के लिए हमने पता किया, सबसे पहले हमने किया शुगर केन, यहाँ पर एप्पल, टमाटो, लोकॉट, यानी कि हमने बहुत सारे फल रख दिए लिली के लिए। तो लिली यहाँ पर फल खा रही है, खूब इंजॉय कर रही है। क्यों इंजॉय कर रही है ना, दोस्तों को बताओ। हाँ जी हाँ जी दोस्तों, यार देखें यार मुझे तो बड़ा मजा आता है लिली को यहाँ पर रखकर। आह आह आह, लिली का रिस्पांस चेक करें, चेक करें लिली का रिस्पांस। ये खुश है यार यहाँ पर माशाल्लाह। पहले दिन आपको पता है ना ये थोड़ा सा ना उदास हो गई थी, लेकिन आज माशाल्लाह ना ये सही है, अब सही है लिली। यार आप बताएं, अब इसका फायदा हुआ है ग्लास का, इस ग्लास का ये फायदा हुआ है कि आपको बिल्कुल लिली क्लियर नजर आ रही है। कोई फील हो रहा है कि यार बीच में जाली वाला सीन है, जैसे मैंने यहाँ से वीडियो बनाई थी ना, तो लिली यार हमारे घर में खुश है। तो ऐसा ऐसा लिली का मैंने जो प्लान सोचा, पता क्या, या इस दरख्तों के बीच में या उस जगह पर। अब देखें वहाँ पर धूप है, तो मेरे पहले वहाँ सोचा था वहाँ पर धूप आ रही है तो लिली वहाँ पर तंग होगी, या फिर यहाँ पर इन दरख्तों के बीच में। मुझे यहाँ पर दिल करता है लिली का जो केज है ना कोई इस दरख्तों के बीच में बना दूँ, जहाँ वो खुश रहे, इन दरख्तों के अंदर ना लिली खुश रहेगी, क्या कहते हैं, या फिर जहाँ रखी हुई है वहीं पर ठीक है। दो दिन पहले मैंने आपको ना इस केज के बारे में बताया था ना कि यार ये केज हमारा यूजलेस पड़ा हुआ है, लेकिन यार आज मैं इसको रिपेयर करवाने लगा हूँ, दोबारा से ना रिवैम्प करने लगा हूँ। अभी इम्तियाज़ भाई को मैंने कहा नहीं, फ़ौरन से उठा के ना नीचे ले आए। जो हमारे घर नया मेहमान आया ना वो है ये, और इसका नाम रख लिया हमने स्वीटी। अब स्वीटी जब से आई है हमने नीचे वाली साइड पर इसको बिल्कुल नहीं छोड़ा, हमें नहीं पता था स्वीटी कोई वैक्सीनेशन इसकी हुई हुई है या नहीं हुई। तो हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार वैक्सीनेटेड है। अब हमने स्वीटी को सबसे पहले बात, इसको नहलाना है, इसको शावर देना है। ओहो आ जाओ स्वीटी, आ जाओ बाहर, आ जाओ। हम इसको रिवैम्प जब करेंगे ना तो स्वीटी इसमें रह लेगी नीचे। तब तक हम यही सोचते हैं कि अब स्वीटी का क्या करें, अर्जी और टेम्परेरी घर कौन सा दें। स्वीटी बड़े परेशान हो रही है, थोड़ा सा उदास भी हो रही है कि मैं किधर आई हूँ। स्वीटी टेंशन नहीं लो, यहाँ पर स्वीटी को ना इस बाथटब में ना हम करने लगे हैं, नहलाने लगे हैं। तो ब्यूटी स्वीटी जो है ना यहाँ पर ज़रा फ्रेश हो जाएगी ना, ये देखें थोड़ी थोड़ी गंदी है ना, अब जब हम इसको नहला देंगे ना तो स्वीटी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, नई लुक में हो जाएगी। फिर देखें ना इसको भी प्रॉब्लम हो रही है, जब हम इसको नहला देंगे स्वीटी फिट हो जाएगी। ऊपर से हम इसको ले आए नीचे, अब ये है लेबॉर्टरी रूम जहाँ पर आगे केजेस बनते हैं ऑलरेडी। वो देखें ना एक केज वहाँ पर तैयार हो रहा है, एक केज ये तैयार हो जाएगा, एक केज ये तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए अभी मुझे मार्केट में जाकर जाली भी लानी है और वो बॉक्स भी लाने हैं जो कि लव बर्ड्स के लिए हैं। तो यार ये सारी चीज़ों के लिए अभी मैं बाय भी निकलूँगा मार्केट में। तो यार सबसे पहले मैंने यहाँ पर पहुँचा दिया, समझे कि आपको यहाँ पर रिपेयरिंग सेक्शन मिल जाएगा। चलो यार छोटी को नहलाने लगे, पानी डालो इसके ऊपर, डालो आराम से इधर से छोटी, गुड गर्ल, प्यारी प्यारी नहीं कर लो, इतनी प्यारी प्यारी हो जाएंगे ना हम, फिर हम ना साफ सुथरे बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में आ जाएंगे, सही है ना छोटी। फिर बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में ऐसे तो नहीं आएगी ना छोटी, एक मिनट मेरा बेटा। फर्स्ट टाइम मैं नहला रहा हूँ, बहुत बड़ा रिस्क होता है कि यार वो नाराज़ ना हो जाए, गुस्सा ना कर जाए। तो मेरी छोटी तो बड़ी अच्छी एंटे में, तो इसको छोटी को ना प्यार से नहलाते हैं अच्छे से तेरे। चलो जी शैम्पू दो, जी शैम्पू पानी पीछे कर लो। नहाना चाहिए मजे से, नहाना चाहिए, सारे जरासीम दूर करने चाहिए, अच्छे वेरी गुड जी। अभी ठहरे, अभी तो शैम्पू लगाया हमने। यार स्वीटी मारने लगी थी मुझे, तुम लोगों गलत पाई पकड़े हो ना, मुश्किल टास्क था, कोई आसान टास्क नहीं था। आज ये इसको लेकर चलते हैं आप स्वीटी को ना फिलहाल ना हम जो घर देने लगे हैं ना वो ये वाला घर देने लगे हैं, ताकि स्वीटी ना टेम्परेरी यहाँ पर रहे जब तक इसका ये वाला घर कम्प्लीट नहीं होता। ये घर कम्प्लीट होगा फिर हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। स्वीटी चलो अब यहाँ पर ना खुद को ये ड्राई शाई कर लेगी। बड़ी मुश्किल से हमने इसको नहलाया स्वीटी को, क्योंकि स्वीटी ने ना एक दो अटैक करने की कोशिश की है, वो भी ये कि यार जब उसके सर पे पानी डाला ना बच्चों ने तो उसने ना हल्का सा ना मेरे पे अटैक कर दिए। थोड़ी सी ना मैंने इसको उबालने के लिए रख दी थी, उबाइल हो गई है, अब ये गर्दने सी ना थोड़ी स्वीटी को देता हूँ ताकि स्वीटी ना अपने आप को खुश भी कर ले और साथ कुछ खा भी ले। वो जालिम मार दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इधर आओ,
देखो इसने जब उसके सर पे पानी डाला ना, अब उधर दिखाया ना लोगों को गलती क्या की है, इसने जब सर पे पानी डाला ना तो उसने मुझे यहाँ पे पंजे मार दिए। चटी साथ खाना भी खा लेना और थोड़ी देर तक आऊँगा मैं, इसको देखूंगा ये ड्राई हुई हुई है कि नहीं, इसको बाहर नहीं निकालना चुटी को। अच्छा ये भी हमारा एक पैराडाइज गैंग है, छोटा गैंग, तो ये भी ना मस्तियाँ करता रहता है, कभी मैं चीज़ इधर बंद करके जाता हूँ ये उधर निकाल देते हैं, मैं पागलों की तरह फिरता रहता हूँ। यार ये थोड़ी सी यखनी थी, यखनी भी रख देता हूँ उसके लिए। यार ये मुर्गी भी ना हमारी कुड़क हुई हुई है, ये देखें पूरे पंख फैला रही है, ये देखें फुल कुड़क हुई हुई है, और इसके अंडे भी ना मैंने, आप पता क्या करना है, ये यहाँ पर आके बैठ जाती है, इसके लिए भी मैंने बास्केट मंगवा लिए, और बास्केट मंगवा के ना इसके भी मैंने अभी अंडे यहाँ से निकाल के ना, जो आपको पता है ना अंडे हमने यहाँ रखे होते हैं, तो अंडे यहाँ निकाल के ना इसकी भी मैं सेटिंग अभी करता हूँ। अभी हमारी सारी मुर्गियाँ ना एकदम से कुड़क होने लग पड़ी हैं, तो ये भी एक गुड न्यूज़ है। अब देखें यार जो पहले जो बैठी थी उनका भी हमने रिजल्ट चेक करने हैं कि उनके क्या रिजल्ट हैं, क्योंकि वो तीन मुर्गियाँ थी हमारी, वो किधर गई यार, वो बाहर आ गई है, वो देखें लेडी डियाना जो है ना वो बाहर आई हुई है, अभी खाना पीना करने आई हुई है, उसके बाद फिर जाके बैठेगी, तो अब पता नहीं क्या बनता है, क्या गुड न्यूज़ आती है, ये भी चेक करना है। साबिर भाई ने स्टिक इस तरीके से लगा दिए ताकि यार लव बर्ड अगर बैठना चाहें तो इसमें आसानी से बैठ जाएं। साबिर बाकी भी रेडी करें, तब तक मैं बॉक्सेस लेके आ रहा हूँ। यार देखें यार यहाँ पर माशाल्लाह हैंड टेम घोड़ा भी है यार, हम बिल्लियों को हैंड टेम पे खुश होते हैं, परिंदों को हैंड टेम पे खुश होते हैं, यहाँ हैंड टेम हॉर्स है यार, ये होता है प्यार यार, जिससे भी आप प्यार करेंगे ना। यार भाई छोड़ के दिखाओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ के दिखाओ भागो, ये देखें यार दोस्तों ये है हैंड टेम यार हॉर्स, वाह जी वाह वाह, वो देख के स्पीड मार रहा है यार साथ साथ, एक मिनट ठहरे क्रॉस करते हैं, माशाल्लाह यार हमारे साथ भी आ जा दोस्त, नहीं आ रहा, आ जा दोस्त, आ जा, नहीं आ रहा यार, वो उसी के साथ हैंड टेम है यार, वाह भाई मज़े मज़े, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा यार जब तक मैं इससे रोक के मिलूँ ना ना तो मज़ा नहीं आएगा यार, कुछ कहेगा तो नहीं, मुझे कुछ कहेगा तो नहीं, पक्की बात है यार, माशाल्लाह यार यार क्या इसको बड़े प्यार से यार तूने पाला हुआ लगता है, हैंड टेम किया सही यार फिट सा, तो यार ये बिल्कुल कुछ भी नहीं कह रहा है, साथ साथ खुद ही भाग रहा था, बच्चा पाला था, तो ये मेल है A1 फिट यार, फिट है शहजादा भाई। दोस्तों यार इधर आया हूँ ना तो ये ब्लैक वाली डक्स ये बड़ी प्यारी लगी है मुझे, तो मैंने दिल किया कि यार ये भी कुछ ले जाए, तो क्योंकि हमारा पैराडाइज गैंग ना थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, तो ये उसके साथ ना बड़ी खुश रहेंगी। वो आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, ये फुल ब्लैक आ गया, ये बड़ा प्यारा है, तीन हो गए, एक रह गया, एक येलो लूँ या ब्लैक ही लूँ, ये एक और फुल ब्लैक ले लेते हैं, तो ये भी ये जोड़ा हो जाएगा, फुल ब्लैक, दो फुल ब्लैक होंगी यार, ये भी बड़े मजे की होंगी, छोटी छोटी जब घूमेंगी ना प्यारी लगेंगी। मार्केट में जब भी आओ ना ये मुझे दे दें, मार्केट में जब भी आओ ना यार दोस्तों, तो यार यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता, इतना कुछ होता है ना, तो यार जो बर्ड्स लवर हो पेट्स लवर होते हैं ना उनका कहाँ दिल करता है जाने को, फिर वो छोड़ता है, और यकीन करें रश भी इतने रश देखें फुल, ये ओ यार वो देखें कितने प्यारे चिक्स येलो यार, कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह यार कितने प्यारे लग रहे हैं यार, ये येलो और ये ग्रीन, ओए दोनों माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, लेकिन ये जो बड़े होते हैं ना तो सिर्फ वाइट वाइट हो जाते हैं। ये चार बॉक्स ना हमने वो उनकी ना लव बर्ड्स के लिए ना, आपको पता है ना विराट कोहली पेयर और दूसरे जो है उनके लिए यार ये हमने पसंद किए हैं, ये चार अदद ये भी ले लेते हैं। आज सब गुस्से के तेज लग रहे हैं लेकिन आज सब मोहब्बत के भी बहुत अच्छे हैं, आज सब जज़ाकअल्लाह शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आज सबको मैं सलाम दे के निकल रहा हूँ, पैसे भी दूँ नहीं 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 आज सबको पैसे चार दो यार चार दो, आज सबको पैसे दे के जाऊँगा क्योंकि आज सब ने बड़े अच्छे अखलाक से बात की है। तो फाइनली यार फिर से हम लोडेड होके जा रहे हैं घर की तरफ, चलते हैं यार देर हो जाएगी फिर रात हो जाएगी, सेटिंग भी करनी है कंप्लीट। अच्छा यार दोस्तों फाइनली हम घर भी पहुंच चुके हैं, ये चीज़ें रस्ते में ना हमने ये प्राली भी ले आए थे, अब ये प्राली पता है ना आपको पता है मैंने किसके लिए मंगवाई है प्राली, यहाँ मैं इसकी सेटिंग करूँगा पूरी की पूरी, ये प्राली मैंने उसके लिए जो मुर्गी जो कड़ुक है ना उसके लिए यहाँ सेटिंग करूँगा इस प्राली के साथ। बॉक्सेस मैं निकाल रहा हूँ बाहर, बॉक्सेस निकाल के ना यार इसको फ़ौरन से ना पता क्या करता हूँ वहाँ पे साबिर भाई को कहता हूँ ना इस इधर आए, यार वैसे फ्रंट में मैं आया हूँ ना, मुझे तो दोस्तों जैसे ही मैं फ्रंट पे आया हूँ ना एक रेड और वाइट बड़ा अट्रैक्ट किया है कलर यार, तो अब जैसे ही बॉक्सेस साबिर भाई को बुलाए यार, साबिर भाई यहाँ पर बॉक्सेस इंस्टॉल करते हैं जब तक, तब तक मैं आपको वो जो बाजार से लेके आया ना डक्स के बच्चे वो जरा अंदर मास्टर केज में छोड़ता हूँ, वो कैसे लगते हैं वो दिखाता हूँ। आए और चीज़ तो बताई नहीं यार दोस्तों आपको, आए आए वो पता क्या हुआ जैसे वो कल यार इंजी भाई हैं यार, कल उन्होंने मुझे एक ना आइडिया दिया यार, आइडिया और सजेशन दी, मैंने कहा इंजी भाई मेरे रैबिट के बच्चे दो मर चुके हैं और तीन हैं जो पकड़ा ही नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा पता क्या करो इनको भूखा रखो दो दिन, एक दिन दो दिन भूखा रखो फिर ये खुद ही बाहर आएंगे, आज वो बाहर आ गए लकीली और यार मैं पीछे गया हुआ था तो उन्होंने पकड़ लिए तीनों बच्चे। अब इनको भी हम सोचते हैं कि इनको हम कहाँ पर रखें, ये देखें यार एकदम से देखें, ये देखें माशाल्लाह, अब इनको ना इधर पास, ये देखें बड़े हैं अभी, अभी बड़े हो रहे, अभी भागना नहीं,
ये फिर अंदर भाग जाएंगे उधर खुद में। अब इनको फाइनल हम कहाँ पर रखें, बच गए 3 बच्चे हमने सेव कर लिए, नया बच्चे वो दे चुके हैं यार, ये हो गए 3 और ये 4 यार। आज जो ये डक के बच्चे लाए हो ना, ये इनकी यशियाँ चेक करें, इनकी फीलिंग चेक करें। चल भाई दोस्तों घूमो मास्टर केज में, यशी होगी तुम लोगों की। ये फुल ब्लैक भी लाए हो यार, फुल ब्लैक भी बड़े प्यारे। ये फीमेल है, इधर का ये जो नखरे वाली है ना, इधर इधर दिखाई दिखाई, एक रुक ना यार, ये जिसको सुरमा सा पड़ा हुआ ना इस तरह, कहते नखरीली सी जो होती है ना फीमेल होती है, तो फीमेल यार इसी तरह की प्यारी होती है यार बहुत। माशाल्लाह ये देखें जी, 4 ये हो गए, 3 वो हो गए। अब यहाँ पर भी हमने एक छोटा सा पैराडाइज गैंग बना लिया मास्टर केज में, तो यहाँ पर ये घूमेंगे। ओहो आते साथ ही इन्होंने यशियाँ मारनी शुरू कर दी है। घूमो भाई, मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ। ये बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में क्या खुश बनना पड़ता है यार, कारपेंटर भी बनी हो यार। एक को यार ये मैंने पेच लगाए हैं, अब दूसरे को यहाँ पर पेच लगाते हैं। इस पेच किधर गया फ्रंट, किधर गया इसका, ये है फ्रंट। यहाँ बैक पर हमने 2 पेच लगाने हैं, और इस पेच के बाद मैंने करना क्या वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले एक पेच लगा दूँ, ये हमारा वो देसी स्टाइल की पेमाइश है, ठीक है ना, देसी स्टाइल की पेमाइश यहाँ पर। चल यहाँ पर हो गया, इसी की बराबरी में हम इसको यहाँ पर कर देते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं जो हमने लगाया है वो कैसा है। प्लानिंग ऐसी होती है, कुछ चीज़ें हमने सोची भी नहीं होती हैं, लेकिन ऐसी बिल्कुल एग्जैक्ट कि हमने सूत्र बराबर बिना कमी पेशी नहीं छोड़ी। इसको यहाँ पर बेहतर रहेगा, ये देखें जी अब फिट बैठ गया यार। अब यहाँ से भी दिखाएं, फ्रंट से भी दिखाएं, यहाँ पर ये यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। इसी तरह इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। ये वाली जो तार है ना, सरिया तार, ये मैंने यहाँ पर लगा के ना इसकी सेफ्टी भी बना ली है, ताकि यार आगे से गिरे ना ये बॉक्स। तो यार दोस्तों यार इस टाइम रात हो चुकी है ना, काफ़ी शाम हो चुकी है, ऊपर से बादल भी है यार, बारिश का भी कोई पता नहीं। तो मैंने वो सेटिंग तो सारी कर दी है, लेकिन मेरा इस टाइम दिल नहीं मान रहा मैं इस टाइम ना लव बर्ड्स को ना निकाल कर यहाँ पर शिफ्ट करूँ। तो कल सुबह सुबह पहले टाइम ये काम सर अंजाम देंगे। लेकिन यार जाने से पहले आपको एक और चीज़ बताऊँ, इसकी जो जाली थी ना, एक तरफ मैं निकला, दूसरी तरफ मेरी फौज निकली, और ये आ चुकी है इसकी जाली भी। तो जाली भी हम यहाँ पर ले आए हैं, ये देखें यार जाली का रोल भी हमने मंगवा लिया है, तो जाली भी आ चुकी हुई है। साबर भाई इधर आए, साबर भाई खाना शाना खा रहे हैं अभी, तका के हमने कहा खाएं खूब, और उसके बाद जुड़ जाएं काम पे फिर से दोबारा। ये पता किसके लिए, उसके लिए भी, इसके लिए भी, हमने फाइनल करना है। तो यार दिन ब दिन मेरी कोशिशें यार बे इंतहा कोशिशें, बे इंतहा मोहब्बतों के साथ, क्योंकि आपकी मोहब्बतें हैं ना इसलिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। कल 2 ज़रूरी काम है, एक ये हो सकता है मैं रात को बिठा दूं मुर्गी को, और क्योंकि रात के टाइम सही रहता है, अगर ना बैठी तो कल आप देख लेंगे वीडियो में ये बैठ चुकी हुई है। तो एक ये काम करना है, बाकी लवबर्ड्स को शिफ्ट करेंगे।